सूखे की वजह से आईपीएल के मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आईपीएल के समर्थन में पूर्व क्रिकेटर्स उतर आए हैं और उन्होंने क्रिकेट को ही निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। एक तरफ महाराष्ट्र में सूखा तो दूसरी ओर आईपीएल मैच। बम्बई हाईकोर्ट ने एक पीआईएल को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया था कि आईपीएल के दौरान महाराष्ट्र के स्टेडियम में लाखों लीटर पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबकि प्रदेश सूखे के संकट से जूझ रहा है। इस समस्या को देखते हुए कोर्ट ने बीसीसीआई को आदेश दिया कि महाराष्ट्र में होने वाले मैचों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। और इसी आदेश के बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट को निशाना बनाए जाने पर सवाल दागे हैं। सुनील गावस्कर का कहना है, T20 विश्व कप के 24 मैच महाराष्ट्र में हुए, लेकिन किसी ने भी उन मैचों का कोई विरोध नहीं किया। क्या उस समय कोई सूखा नहीं था? केवल क्रिकेट को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बागवानी और तैराकी को लेकर क्या किया जा रहा है? जब कुछ राजनीतिक होता है तो क्रिकेट को निशाना बना दिया जाता है। जब किसी देश के साथ संबंध की बात आती है तब भी क्रिकेट पर बात होती है। किसान का जीवन और उसके हालात को सुधारना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आईपीएल के 13 मैच बाहर ले जाने से किसानों की हालत नहीं सुधरने वाली। गावस्कर ही नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने भी क्रिकेट को निशाना बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। पानी की समस्या से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, ये गंभीर बात है, लेकिन आईपीएल को इस मामले से जोड़ने से इसका महत्व कम हो गया है। अगर आईपीएल के नहीं होने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमें क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए। फिलहाल बीसीसीआई ने महाराष्ट्र में होने वाले मैचों को स्थानांतरित करने का फैसला किया है, लेकिन जिस तरह से इन पूर्व क्रिकेटर्स के बयान आए हैं तो क्या वाकई हर मामले में क्रिकेट को घसीटा जाता है? समस्या तो आईपीएल मनोरंजन मात्र का साधन, लेकिन मानवता को देखते हुए कोर्ट का यह फैसला सराहनीय है। लेकिन इन पूर्व क्रिकेटर्स के बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।